पेपर लीक की रोकथाम के लिए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ था उसने काम करना शुरू कर दिया है, और उसी तरह राज्य में संगठित अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करा गया था उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। चूरू के अंदर हथियारबंद लोगों को पकड़ा गया, हथियार और असला वहां से बरामद हुआ है। उसी तरह अब यह नियम बना दिया गया है कि जो इस तरह की संगठित अपराधों के अंदर शामिल होगा उनकी प्रॉपर्टीज कहां कहां है उसका पूरा ब्यौरा भी साथ में होगा, ताकि इल्लीगल प्रॉपर्टीज को तुरंत जब्त कर दिया जाए या उसको ढहा दिया जाए। उदाहरण के तौर पे गोगामेड़ी जो अक्यूज थे उसके घर को, जो इल्लीगल घर था उसको तोड़ दिया गया। सीबीआई को भी राज्य में अनुसंधान करने के लिए अभी राज्य सरकार की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अवैध खनन को रोकने के लिए खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस और परिवहन विभाग सम्मिलित होकर ये जो दस्ते हैं जिले कलेक्टर की निगरानी के अंदर 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इनका एक विशेष अभियान चल रहा है। राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले एक महीने के अंदर तकरीबन 10,550 ग्राम पंचायत और शहरी स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर चुकी है, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने, नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया और तकरीबन 1.5 लाख जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो कैंप लगे उसके अंदर तकरीबन 1.58 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच हुई, जिसमें 1.98 लाख जांचें सिकल सेल की करवाई गई। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंदर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा कार्ड बने हैं। पीएम ज्योति बीमा योजना के अंदर तकरीबन 3 लाख व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसी तरह तकरीबन 50 लाख आयुष्मान भारत कार्ड की ईकेवाईसी की गई है और 10 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो स्पेशल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी है उसके अंदर तकरीबन 31 इनामी अपराधियों तथा भू माफिया, शराब माफिया और संपत्ति संबंधी अपराधों से जो जुड़े हुए लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 260 को इसके अलावा गिरफ्तार करा गया है। सक्रिय आपराधिक गैंग के सदस्य व सोशल मीडिया पर तकरीबन 200 फॉलोअर्स जो थे उन पर कार्रवाई करी गई है। आपके माध्यम से जो युवा हैं उनको ये सूचना देना चाहते हैं कि इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं उनकी सोशल मीडिया से वो दूर रहें, नहीं तो उनके ऊपर जांच होगी और फिर कार्रवाई हो सकती है।